फर्रुखाबाद में बसपा नेता अनुपम दुबे की संपत्ति की गई कुर्क। पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस फोर्स के साथ बसपा नेता अनुपम दुबे के फतेहगढ़ आवास पर पहुंचे। संपत्ति कुर्की की कार्यवाही के समय तहसीलदार सहित एसपी सहित कई थानों के फोर्स के साथ रहे मौजूद। बसपा नेता के एक मकान 5 प्लॉटों पर हुई संपत्ति कुर्की की कार्यवाही। पुलिस प्रशासन ने करीब 10 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क। गैंगस्टर की कार्यवाही के चलते पुलिस ने 113 करोड़ की अभी तक संपत्ति कुर्क की। बसपा नेता इंस्पेक्टर हत्याकांड में आगरा जेल में है बंद। शासन ने प्रदेश स्तर पर बसपा नेता अनुपम दुबे को टॉप 10 सूची में माफिया किया घोषित। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र का मामला। कभी अवगत है कि शासन द्वारा चिन्हित माफिया अनुपम दुबे फर्रुखाबाद का निवासी था और इसके ऊपर लगभग 63 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके ऊपर काफ़ी गंभीर धाराओं में पूर्व में मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लगभग 90 के दशक से लगातार अपराध करता आ रहा है। अपराध से बहुत बड़ी संपत्ति अर्जन की गई है। फतेहगढ़ पुलिस ने अब तक लगातार इसके 113 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और ये 113 करोड़ वो मूल्य है जो उसके द्वारा खर्च करके क्रय किया गया है और आज के समय में इसका मार्केट वैल्यू देखा जाए तो उससे कहीं ज्यादा होगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।